बिजली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यकारी अभियंता कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। बाद में ज्ञापन लेने लघु सचिवालय पहुंचे बिजली कर्मी CTM मनीष फोगाट सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़ गए। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद बिजली कर्मियों ने DRO राजकुमार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए CTM के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। वहीं CTM ने इस संबंध में बिजली कर्मियों पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारी शुक्रवार दोपहर दादरी में निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए और मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बिजली कर्मी जुलूस निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता ओमबीर कलेहार व लोकेश कुमार के कहा कि निगम में कार्यरत कच्चे कर्मचारी को भिवानी व दादरी जिले के DC रेट में काफी अंतर है। बिजली निगम भिवानी सर्कल के अधीन आता है, इसलिए इसको बढ़े हुए रेट मिलने के साथ साथ उनका एरियर भी मिलना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर वे पहले भी दो बार CTM को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक सप्ताह बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा और 30 जनवरी को जेल भरो आंदोलन करके जेल भरेंगे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, आजाद TV न्यूज। जनवरी में हमारे 30 जनवरी को पूर्व सभी ट्रेड यूनियन एक प्लेटफॉर्म पर आकर जेल भरो आंदोलन करेंगे। समान काम समान वेतन और जो सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और जो पंजाब के समान वेतन मान है, समान काम समान वेतन है और जितने भी हमारे हकी लड़ाई हमें लड़के जो लिए हुए हैं कानून बनाए हुए हैं उनको हटाना चाहती है। इसलिए हम मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का समाधान किया जाए, नहीं तो आने वाली 30 तारीख को हम यहाँ जेल भरने के लिए आएंगे और तब प्रशासन को देख लेंगे कि कितनी इनकी जेलें हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने कभी अपनी लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटे हैं और नहीं आगे हटेंगे। ये कुछ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए थे और उसके चक्कर में ये लोग तैश में आके कुछ उल्टा सीधा कहने लगे कि हमारी मांगे इतने दिन हो गए पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने उनको समझा दिया था कि वे ऐसी बात नहीं है, जो भी कानूनी कार्रवाई और एक प्रक्रिया के तहत आपका जो काम है प्रोसेसिंग में है।